बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के चांद के हवाले से क्या माहिरीन फलकियात की राय ख़त्मी हो सकती है, इस पर कुरान और हदीस में रहनुमाई फरमाए। आपके साथ ज़बरदस्त खबर अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ कि ईद उल फितर के हवाले से हालिया माहिरीन फलकियात का कहना है कि 20 अप्रैल के शाम ईद उल फितर का चांद नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी उम्र 9 घंटे से कुछ कम है। इसलिए 9 घंटे से वो चांद जिसकी उम्र 9 घंटे से या 9 घंटे के बराबर हो, वो इंसानी आंख उसको नहीं दे सकती। कुरान और हदीस में सराहतन ये हुक्म मौजूद नहीं है। कुरान हदीस की रोशनी में ईद उल फितर के चांद की तस्दीक के लिए बस उसकी रोईयत ही काफ़ी है। जैसे ही चांद नज़र आएगा, ईद उल फितर का ऐलान किया जा सकता है। ताहम अब हम देखेंगे कि क्या 20 अप्रैल के शाम मरकजी या सूबाई रुयत हिलाल कमेटी शहादतें उनको मौसूल होती है। अगर मौसूल होती है तो फिर लाजमी तौर पर ईद उल फितर 21 अप्रैल को ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।